हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीड़ो के प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो बात कर रहे हैं इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ मैच भी हो गए, हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 24वें मैच की, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये दोनों ऐसी पड़ोसी टीम है जो कि 2022 के आईपीएल में दोनों फाइनलिस्ट टीम भी रह चुके हैं, जहां पर राजस्थान अब तक खेले गए चारों मैच जीतकर टॉप पे स्टेबल है। वहीं बात करेंगे दूसरी टीम तो गुजरात पे, यहाँ पे मिला जुला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं आईपीएल का 24वां मुकाबला, जो कि खेला जाएगा 10 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशिंग अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर सूर्या वाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी जबरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हिट टू हिट देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अब तक टोटल 5 मैच खेले गए, जिसमें से राजस्थान 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे गुजरात 4 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम का पिच बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। यहाँ पे स्ट्रोक प्ले इजी होता है खेलना पे, जहाँ पे बैट बॉल पे सही तरीके से आती है, स्पिनर्स को यहाँ पे खासा हेल्प मिलता है। पिछले मैच में हमने देखा है, यहाँ पे राजस्थान ने आसानी से बिग टारगेट को चेस किया था, तो टॉस जीतकर टीमें यहाँ पे बॉलिंग पहले करना पसंद करेगी। तो अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 16% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 35% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 65% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे गुजरात का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला हो रहा है। टीम अब तक 1 मैच जीतती है तो अगला मैच हार जाती है, टीम में कंसिस्टेंसी की कमी साफ दिखाई पड़ रही है। टीम ने अब तक 5 मैच खेलकर 2 ही मैच जीता और 3 मैच हारा है। लास्ट 2 गेम में जहाँ पे पंजाब और लखनऊ से हार गई थी। टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। टीम की बैटिंग में डेप्थ नहीं दिख रहा, जहाँ पे शुभम गिल ओपन कर रहे हैं, वहीं पर रिद्धिमान साहू को लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिया गया था, जहाँ पे साई सुदर्शन लगातार रन भी बना रहे हैं, वहीं पर डेविड मिलर चोट के चलते बाहर हो गए, उनकी जगह केन विलियमसन को पिछले मैच में मौका मिला था। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर और राहुल तेवतिया, जो अब तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर सके। वहीं पे लोअर ऑर्डर में जहाँ पे राशिद खान, जो कि हिटिंग एबिलिटी भी रखते हैं, बॉलिंग में जहाँ पे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जहाँ पे नूर अमर जो कि किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, उमेश यादव अच्छा स्पेल भी डाल रहे हैं, उन्होंने अब तक 2 विकेट लिए थे। वहीं पर राशिद खान इस साल अब तक टच नहीं दिखे, मोहित शर्मा जो टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल है, शरत है, विजय शंकर है, साई सुदर्शन, केन विलियमसन है, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, उमेश यादव। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि दर्शन नलकंडे, जयदेव यादव है, अभिनव मोहर है, मानव सुथर है और मैथ्यू वेड है। कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है, मोहित शर्मा है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर राजस्थान की टीम इस वक्त गजब का परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। टीम हर डिपार्टमेंट में हिट चल रही है, टूर्नामेंट का बेहतरीन स्टार्ट भी है, टीम अपने 4 मैच जीत के आ रही है, अब तक टीम एक भी मैच नहीं आ रही है। वहीं लास्ट के मैच जहाँ पे टीम ने आरसीबी को बुरी तरह हराया, टीम की कप्तानी की बात करें जो कि संजू सैमसन कर रहे हैं, वहीं आपको ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टनर जॉस वर्टर लास्ट मैच में 100 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जहाँ पे कप्तान संजू सैमसन अग्रेसिव बैटिंग भी कर रहे हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 69 रन बनाए थे। वहीं नंबर 4 पर जहाँ पे रियान पर्याय जो कि जबरदस्त फॉर्म में देख रहे हैं, मह 4 इनिंग में उन्होंने 185 रन बना दिए। वहीं लोअर ऑर्डर में सिमरन एटमार एंड ध्रुव जोरल जो टीम को ज़्यादा चांस नहीं मिल पा रहा, टीम के सभी बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम के जहाँ पे 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। बॉलिंग में जहाँ पे प्रेशर ट्रेंट बोल्ट और अफ्रीका के प्रेशर नाजे बढ़ गए, जो कि लगातार विकेट भी निकाल रहे हैं, वहीं पे आवेश खान भी लाइन लेन से बॉल डाल रहे हैं। जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में अश्विन और युजवेंद्र चहल दिख रहे हैं, चहल टीम के लिए विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं राजस्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, टॉस बटलर है, संजू सैमसन है, यान पर्याग है, ध्रुव जुरेल है, सिमरन हेटमायर, रविंद्र चरण अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, आवेश खान है, नाडले बर्गर और ट्रेंट बोल्ट है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि रोवन पॉवेल है,
तनुष कोटिया, कुलदीप सेन है, शुभम दुबे, अफीद मुश्ताक है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि संजू सैमसन है, रियान पराग है और युजवेंद्र चहल है। फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर भी राजस्थान रॉयल्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।